जानवरों पर सदियों से चले आ रहे साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज के बावजूद भी आज भी कई जानवर हमें अपनी काबिलियत से हैरत में डाल देते हैं। कभी कभी जानवर कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं कि जिसे देखकर हम इंसान भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाते। एथियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर से हम उन्हें काफी हद तक समझने में कामयाब हुए हैं, मगर अभी भी कुछ जानवर अपने अजीबोगरीब बिहेवियर से हमें हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज की वीडियो में हम आपको जानवरों के कुछ ऐसे ही बर्ताव और खासियत बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आप जरूर चौंक जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। नंबर वन, गोट्स। बकरियों में अक्सर ये चीज देखी जाती है कि वो चलते चलते अचानक ही जमीन पर ऐसे गिर जाती हैं और इनकी बॉडी भी अकड़ जाती है। देखने वाला बकरी को इस हालत में देखकर एक बार तो डर ही जाता है। माहिरीन और रिसर्चर की माने तो बकरी अचानक होने वाली किसी भगदड़ या खतरे को देखकर घबरा जाती है, इसी वजह से इनकी बॉडी अकड़ जाती है। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि असल में बकरी बेहोश होती ही नहीं बल्कि ये जमीन पर गिरने के बाद भी होश में रहती है। अचानक से होने वाली भगदड़ से इनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, जैसे इंसानों पर अचानक होने वाले किसी हमले में उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही। हालांकि ये सभी बकरियों में नहीं पाया जाता। माहिरीन भी बताते हैं कि इस अचानक होने वाले अटैक से बकरी को कोई भी नुकसान नहीं होता। नंबर टू, होग्नो स्नेक। इस सांप का नाम दरअसल इसकी सुअर जैसी नाक की वजह से पड़ा है। होग्नो स्नेक नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। इनका मुंह काफी चौड़ा होता है। अब तक की दर्ज की गई इनकी सबसे ज्यादा लंबाई 46 इंच तक है। रंग और पैटर्न कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस सांप की एक्टिंग देख लें तो आप इसे ऑस्कर अवार्ड जरूर देंगे। ये सांप इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते, लेकिन जब किसी इंसान या शिकारी जानवर से इन्हें खतरा महसूस हो तो ये कोबरा की तरह अपना फन फैलाकर ऐसे ही कोबरा की तरह जुबान अंदर बाहर करते हैं ताकि शिकारी को डरा सके। और अगर शिकारी इसे पकड़ ले तो ये उसे डसने की एक्टिंग करते हैं, शिकारी को काटना शुरू कर देते हैं मगर दांत नहीं गाड़ते। इससे भी काम ना चले तो ये मरने की एक्टिंग करते हैं, जो कि सांपों में आमतौर पर देखा नहीं जाता। अगर आप इसे सीधा करने की कोशिश करेंगे तो ये फौरन ही पलट जाते हैं और शो करवाते हैं कि ये मर चुके हैं। नंबर थ्री, स्कंक डिफेंस मैकेनिज्म। स्कंक छोटे से घने बालों वाले प्यारे से जानवर हैं, जिनमें काली सफेद और ब्राउन कलर की धारियां और धब्बे होते हैं। ये छोटा सा जानवर अपनी हिफाजत के लिए जो ट्रिक इस्तेमाल करता है वो ट्रिक किसी बड़े भालू तक को भागने पर मजबूर कर सकती है। स्कंक के पास एक ऐसा खतरनाक और बदबूदार स्प्रे है जिसकी मदद से ये अपने आप को दुश्मनों से बचाता है। स्कंक जब भी अपने ऊपर खतरा महसूस करता है तो सबसे पहले ये अपनी पीछे की दोनों टांगों को उठाकर शिकारी को डराने की कोशिश करता है। अगर शिकारी इससे डरे ना तो अपने पिछवाड़े पर मौजूद ग्लैंड से इतना खतरनाक स्प्रे छोड़ते हैं कि कोई भी जानवर और इंसान इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर ये स्प्रे किसी इंसान या जानवर की आंख में चला जाए तो वो अंधा भी हो सकता है। 15 से 37 इंच साइज वाला ये जानवर 15 फीट तक की दूरी तक ये स्प्रे फायर कर सकता है। वहीं अगर लास्टिंग की बात करें तो ये बदबूदार स्प्रे किसी इंसान या जानवर पर अगर चिपक जाए तो कई हफ्तों तक इसकी स्मेल उसे परेशान करेगी। इसकी स्मेल इतनी तेज होती है कि इसे 5.6 किलोमीटर दूर से भी सूंघा जा सकता है। नंबर फोर, लायर बर्ड। अब हम अपनी इस वीडियो के सबसे खास मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो कि एक नायाब परिंदा है। इसे लायर बर्ड के नाम से जाना जाता है और इस परिंदे का शुमार दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदों में होता है और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही में पाया जाता है। ये परिंदा नकल करने में बहुत ही माहिर है। ये दूसरे परिंदों के गाने, कुत्तों के भौंकने की आवाज, कार के हॉर्न, चेनसो, कील ठोकने की आवाज और मुख्तलिफ आवाजों की भी नकल कर लेता है। ये अपने इर्द गिर्द सुनाई देने वाली लगभग हर आवाज की परफेक्ट नकल करने की सलाहियत रखता है। ये कैसे अपने इर्द गिर्द सुनाई देने वाली आवाजों को कॉपी करता है ये आप खुद देख और सुन सकते हैं। नंबर फाइव, स्नेक। इस वीडियो में आपको एक सांप खुद ही को खाता दिख रहा होगा। आप ये देखकर सोच रहे होंगे कि सांप आखिर ऐसा क्यों करते हैं। माहिरीन के मुताबिक सांपों का खून ठंडा होता है, जिसकी वजह से वो अपना बॉडी टेम्परेचर ठीक तरह से बैलेंस नहीं कर पाते। उन्हें अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए सूरज की रोशनी या किसी गर्म चीज की जरूरत होती है, लेकिन इस दौरान अगर वो गर्म हो जाए तो भी वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को सही तरह से ठंडा नहीं कर पाते। बॉडी टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाता है
और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो फाल संगत यानी झूठी भूख का शिकार हो जाते हैं और खाने के लिए जल्दी कोई चीज न मिलने से वो अपनी ही पूंछ को खाना शुरू कर देते हैं और ना ही वो ऐसी हालत में होते हैं कि खाना खुद ही ढूंढ सके। ये हरकत सांपों के लिए बेहद खतरनाक साबित होती है, क्योंकि सांप उस वक्त तक अपने शिकार को नहीं छोड़ते जब तक उसे पूरा निकल ना ले, और ऐसे ये शिकारी खुद ही का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। नंबर 6, रेनडियर साइक्लोन। फरवरी 2019 में एक अजीब फुटेज गलती से कैमरे में कैद हो गई जब वाइकिंग्स के ऊपर वाइल्ड वे ऑफ द वाइकिंग्स नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही थी। डॉक्यूमेंट्री के एक सीन में जब एक वाइकिंग रेनडियर का शिकार करने की कोशिश कर रहा था, तब रेनडियर सर्कल में गोल दौड़ने लगे और डॉक्यूमेंट्री में ये असल नजारा कैद हो गया। ये देखकर सब हैरान रह गए और इसे साइंटिस्ट ने रेनडियर साइक्लोन का नाम दिया। माहिरीन के मुताबिक जब भी इन्हें शिकारी से खतरा महसूस होता है तब ये इसी तरह गोल गोल भागने लगते हैं, और ऐसा करने से शिकारी को किसी एक मखसूस रेनडियर को टारगेट करना मुश्किल हो जाता है और इस तरह ये अपने आप को शिकारी से बचाने की कोशिश करते हैं। नंबर 7, अलास्कन वुड फ्रॉग। मिलिए इस वुड फ्रॉग से जिसकी खासियत ने साइंटिस्ट के होश उड़ा कर रख दिए थे। जी हाँ, हर साल सितंबर के महीने में ये मेंढक बहुत ही अजीब काम करता है। ये ठंडे मौसम में पूरी तरह से जम जाते हैं। इनकी बॉडी का 2/3 पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। अगर आप उन्हें उठाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो अकड़कर मर गए हों, और इनके हाथ पैर मोड़ने से ये लकड़ी की तरह टूट जाएंगे। दरअसल जब अलास्का में टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है तब इस मेंढक की बॉडी तकरीबन 80% बर्फ में जम जाती है। इस दौरान इसकी बॉडी में अजीब और नाकाबले यकीन तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। उसका सांस लेना और खून का बहना, लीवर का काम करना, यहाँ तक कि दिल की धड़कन भी बंद हो जाती है। आम लफ्जों में वो मर चुका होता है, लेकिन 7 महीने बाद जब मौसम तब्दील होता है तो उसके ऊपर से बर्फ पिघलने लगती है और इसके दिल में अचानक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है और इसका दिल फिर से धड़कने लगता है। मतलब ये फिर से जिंदा होकर अपने काम पर लग जाता है, इसीलिए इसे फ्रोजन फ्रॉग भी कहते हैं। नंबर 8, लंगूर। दोस्तों, इंसानों के बाद अगर किसी समझदार जानदार की बात की जाए तो वो बंदर ही हैं, और साइंस ने इसे प्रूव भी करके दिखाया है, जो ये जाहिर करता है कि उनमें भी इंसानों की तरह फीलिंग्स होती हैं। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट भारत में बंदरों के साथ किया गया था, जब बंदरों के पास एक रिबॉट मंकी बेबी रख दिया गया था। उसे अकेला देखकर एक मादा उसके पास आकर उसे बहलाने लगी। आमतौर पर लंगूर के बच्चे अपनी माँ को काफी कसकर पकड़ते हैं, पर रिबॉट होने की वजह से ये उस मादा के हाथ से गिर गया। उसे ना हिलता देखकर मादा को लगा कि ये उसकी गलती की वजह से उस बच्चे की जान गई है। वो उसे उठाकर रोने लगती है और फिर कुछ देर बाद वो उसे उठाकर एक ऊंची जगह पर रख देती है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर माहिरीन की ये टीम भी चौंक गई। सारे लंगूर उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे, कुछ उसे सूंघने लगे और कुछ उसे हाथ लगाने लगे। ये अमल बिल्कुल इंसानों जैसा था, जैसे जब कोई इंसान मरता है तो उसकी फैमिली और जानने वाले उसकी डेड बॉडी के पास जमा होते हैं और उसका आखिरी दीदार करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर